हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजलि और मेरी किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन सेवैयाँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिली खिली बनेंगी। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। नमकीन सेवैयाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो इसमें अब हम 1/2 चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद जीरे को हम फ्राई करेंगे। जीरे के साथ जो सेवैयों का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। जीरा हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें अब हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। अगर आप प्याज लंबे कट करके डालना चाहते हो तो आप लंबे भी कट कर सकते हैं। और इसमें अब हम मटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ किए हैं। और इसी के साथ इसमें अब हम 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे और 1 कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और इनको अब हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और मिला लेंगे। और इसमें अब हम 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप डाल देंगे। टमाटो केचप के साथ आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो सेवैयाँ बना रही हूँ वो बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं चिली सॉस को स्किप कर रही हूँ। और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको ऊपर से कवर करके 5 मिनट तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। हमारा मसाला पककर तैयार हो चुका है और इसमें अब हम 4 गिलास पानी डाल देंगे। और इसको अब हम ऊपर से कवर करके पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ चुका है तो मैंने यहाँ पे 10-10 रुपए वाले 3 पैकेट सेवैयों के लिए हैं, ये रोस्टेड सेवैयाँ हैं, तो इसको अब हम पानी में डाल देंगे। इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और 5 से 6 मिनट तक कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, हमारी जो सेवैयाँ वो पक कर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इनमें थोड़ा सा गीलापन है तो इनको अब हम 2 मिनट तक और पका लेंगे। हमारी सेवियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं तो इनके ऊपर अब हम 1 चम्मच मैगी मसाला डाल देंगे। इसके साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं हमारी जो सेवैयाँ ये बहुत ही खिली खिली बनी है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।